Welcome, my dear student. Now, in this video, we also again try to solve some numericals of POS four variable KMF. Okay. Now the question is: reduce the given equation by using KMF. And equation is F is equals to product of M 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15. नौ एक ऐसा न्यूमेरिकल्स है जो अपने को यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। उसके हिसाब से हम चलेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि इसको किस कौन से तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे मुझे ऑब्जर्वर की प्रोडक्ट ऑफ यम लिखा है, तो प्रोडक्ट ऑफ यम जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ यम अगर ये वर्ड आपको दिख गया है तो इट मीन्स दिस क्वेश्चन इज ऑफ POS, और POS भी कितने वेरिएबल का, सबसे बड़ी मैक्सिमम दिख रही 15, तो करके 4 वेरिएबल का, तो 4 वेरिएबल का POS मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। जीरो, वन, थ्री, टू, फोर, फाइव, सेवन, सिक्स, एट, नाइन, एलेवन, टेन, ट्वेल्व, थर्टीन, फिफ्टीन, फोर्टीन, जीरो, 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 वन, 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 जीरो, 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 वन, 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 जीरो। यहाँ पे क्या रहता है, ए प्लस बी, देन ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी। सिमिलरली सी प्लस डी, सी प्लस डी बार, सी बार प्लस डी बार, सी बार प्लस डी। क्लियर। इन दिस वे वी कैन सॉल्व द एनी न्यूमेरिकल्स एंड वी ट्राई टू फाइंड आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, नाउ जितने भी मैक्सिमम दिए वो सभी के सभी मैक्सिमम को हमको यहाँ पे यूज करना है। पहला मैक्सिमम है वन, तो करके वन सेल नंबर वन, देन सेकंड मैक्सिमम इज थ्री, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, ट्वेल्व, फोर्टीन, फोर, ट्वेल्व, फोर्टीन, फिफ्टीन, ट्वेल्व, फिफ्टीन, फोर्टीन, ठीक है। चलो, तो ये यहाँ पे सेल का मैंने नंबरिंग कर दिया, मैक्सिमम दिए थे मैक्सिमम में मैंने वन जीरो लिख दिया। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है इसके बाद का, ग्रुपिंग, करेक्ट। तो नाउ डू द ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग में मुझे ऑब्जर्व हुआ कि मैं एक यहाँ पे एक चार का ग्रुप बना सकता, दूसरी चीज़ यहाँ पे एक मैं ये एक चार का ग्रुप बना सकता, चार के दो बना लिए, उसके साथ साथ और कोई बड़ा ग्रुप बना सकता, हाँ अगेन ये एक चार का ग्रुप नहीं बना सकता, तीन चार के बन गए, इसके बाद और कुछ नहीं, ठीक है। अब इसके बाद ये एक दो का, आप ये इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ये एक दो का, यानी चार चार के तीन और दो के दो, ठीक है। पहला मैंने ये जो चार का ग्रुप बनाया इसका आंसर क्या आएगा, ऑब्जर्व कीजिए कॉलम में कॉमन कौन है, ए, और रो में से कौन निकलता है, डी बार, तो करके इसका आंसर क्या आएगा, ए प्लस डी बार, राइट। फिर बाद में मैंने ये कॉलम का एक पूरा का पूरा चार का ग्रुप बनाया, फोर, फाइव, सेवन, सिक्स का, इसका आंसर क्या आएगा, सब के सब रो कैंसिल हो जाएंगे, बचता क्या है, ए प्लस बी बार, राइट। अब जो मैंने ये चार का ग्रुप बनाया इसका आंसर क्या आएगा, इधर से कॉलम में से कॉमन बी बार, इधर से सी बार, करके बी बार प्लस सी बार, और ये दो दो के ग्रुप बनाए इसका आंसर क्या आएगा। तो पहले ये सेल नंबर 12 और 8 में मैंने ग्रुप बनाया, उसमें कॉलम में से कॉमन कौन है, ए बार, और रो में से सी प्लस डी, तो ए बार प्लस सी प्लस डी, ठीक है। और ये दो का ग्रुप बनाने के बाद इसमें आंसर क्या आएगा, ए बार प्लस बी प्लस सी। ओके, इन दिस वे योर फाइनल आंसर विल बी एफ इज इक्वल टू ए प्लस डी बार, ए प्लस बी बार, बी बार प्लस सी बार, ए बार प्लस सी प्लस डी, ए बार प्लस बी प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। इन दिस वे वी कैन सॉल्व द एनी न्यूमेरिकल्स ऑफ POS, और बहुत सिंपल चीज है ये, इससे आप कोई भी न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं माय डियर ओके। इसमें और एक हम न्यूमेरिकल देखते हैं आज अभी भी, सो दैट अगेन योर बेसिक कंसेप्ट विल गेट मोर एंड मोर क्लियर and you can solve any numericals of POS. Now question is, reduce the given equation by using KMF, and equation is F is equals to product of M 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15,
जीरो, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15. नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. नाउ अगेन पी ओ एस का है, ये तो दिख रहा पी ओ एस का है, साथ ही साथ में उसमें मैक्सिमम भी दिए, तो सबसे बड़ी मैक्सिमम 15 है, तो 4 वेरिएबल सी में उसको सॉल्व कर सकता है, ये भी आपको पता चल गया. अब इम्पॉर्टेंट टर्म्स आता है वहाँ पे कि पहले मैं 4 वेरिएबल का पी ओ एस फॉर्म में के एम एफ ड्रॉ कर लेता. फॉर्म यानी क्या है, सिंपली लेबलिंग में चेंजेस है, बाकी कुछ भी नहीं. लेबलिंग अगर आप समझ में आ गया ना आपको, तो आप पी ओ एस हो या एस ओ पी हो, कोई भी न्यूमेरिकल 4 वेरिएबल तक आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. और इसके बाद का भी 5 वेरिएबल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, वो भी आपको सिंपली समझ में आ जाएगा अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे. तो अगर आपको पहले से ही समझ में नहीं आया तो आप आगे जाके कुछ भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है. तो पहले आपको आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेगी. 9, 11, 10, 12, 13, 15, 14. चलो ठीक, अभी देखिए. हाँ, अभी लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लेबलिंग भी कर लेते. ए प्लस बी बार, यहाँ पे आप बुक लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं. सी प्लस डी बार, सी बार प्लस डी. ओके, अभी देखते हैं पहली मैक्सिमम कौन सी है. ज़ीरो, चलो ज़ीरो, देन वन, देन टू, देन 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, ठीक है. तो ये पूरे के पूरे हमने यहाँ पे मैक्सिमम लिख दिए. मैक्सिमम लिखने के बाद अभी इम्पोर्टेंट नाम आता है ग्रुपिंग. और हर बार मैक्सिमम लोगों का जो आंसर है ना वो गलत होता है, तो ग्रुपिंग में ही सबसे ज़्यादा लोगों का गलत होता है. ग्रुपिंग एक बार गलत हो गया तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को अच्छे से अच्छे, कितना भी सिंपल न्यूमेरिकल है, आप उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते प्रॉपरली. तो करके आपको ग्रुपिंग समझ में आना चाहिए. चलो ठीक है, अभी ग्रुपिंग में देखते. 8 का ग्रुप बनता है क्या, ट्राई करो. नहीं बन रहा, समझ में आता है कि बनता नहीं है. चलो ठीक है, 8 का ग्रुप नहीं बनता है तो 4 का ग्रुप बनाएंगे. मुझे ये डायरेक्टली दिख रहा है 4 का ग्रुप, तो ये मैंने बना लिया. फिर दूसरा 4 का ग्रुप और बनता है क्या कहीं पे, तो मुझे ऑब्जर्व हुआ कि ये भी 4 का ग्रुप बनता है, ये भी बना लिया मैंने. ठीक है, अब 4 के हो गए भाई. जो सेल छूटे हैं वो कौन कौन से, 9, 1, 2, 6. तो 9, 1, 2, 6 है ना, तो इनका एक 4 का ग्रुप बना सकते हम, सेकंड 4 का ग्रुप, और इनके लिए एक सेकंड 4 का ग्रुप. यानी ऐसा समझ लो कि 4 के 4 ग्रुप यहाँ पे बन गए. जब मैंने ये 4 का ग्रुप बनाया तो इसका आंसर क्या आया होगा, इसका आंसर कॉलम. कॉलम का नाम क्या है, ए बार प्लस बी बार, राइट. जब मैंने ये 4 का ग्रुप बनाया तो पहले रो में से कॉमन कौन है, बी, और इधर से सी, तो बी प्लस सी. ये 4 का ग्रुप बनाया तो इसका आंसर क्या है, कॉलम में से कॉमन कौन है, ए, और रो में से डी, तो ए प्लस डी, बराबर है. और इसका आंसर क्या आएगा, सी प्लस डी. सो देयरफॉर योर फाइनल आंसर विल बी एफ इज इक्वल्स टू ए प्लस डी, ए बार प्लस बी बार, बी प्लस सी, सी प्लस डी. दिस इज योर फाइनल आंसर. इन दिस वी कैन सॉल्व द एनी न्यूमेरिकल्स एट योर ओन ऑफ 4 वेरिएबल्स के. ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच.